दादी अम्मा खाना बनाते थे। कब कब कब? मेरे दादी के टाइम पे। दादी के टाइम पे? हाँ, एक बार हमको खाना मिला था। अच्छा। उनका खाना था तो ज्यादा ही स्वाद होता है खाने में। ये खाना बहुत ही अच्छा बनता है। खाओ माँ का। दादी के टाइम में तो इसमें खाना खाते थे और बिना खाद दूध वाला सामान से खाना खाते थे तो बीमार कम होते थे आदमी। उस टाइम का खाना स्वादिष्ट होता था। अभी जो खाद बीज वाला सामान खाते हैं तो ठीक नहीं मिलता। इसलिए तो पेट निकल गया क्या? मेरा विशाल दोस्त का ईंट का भट्टा है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ तक इसका ईंट का भट्टा जितना ईटा सब है यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये बोल रहा है कि मेरा ही का दोस्त रहा। ये क्या तरह नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देखे गाइस, सिंहासन में हाथी बैठी हुई है। ये चेक करिए आप लोग। वाह, हाथी सिंहासन में क्या सूट कर रहा है। वाह रे वाह। तो गाइस, हम लोग तो जाने वाले थे तारामंडल, लेकिन कुछ कारण के कारण जो है तारामंडल हाउसफुल हो चुका है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिहार संग्रहालय। यहाँ भी कुछ नए चीज दिखाने वाले हैं आप लोगों को, तो वीडियो में तक बने रहिए, सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं, टिकट लेते हैं फटाफट से, उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइस, टिकट प्राइस देख सकते हैं, इंडियन लोगों के लिए 100 रुपया और यहाँ नीचे मिल सकते हैं विदेशी लोगों के लिए 500 रुपया। तो सारा दिया गया है मेनू यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं और अच्छी तरह से घूम सकते हैं। चलो अंधेरा से शुरू करते हैं हम लोग। सो स्टार्ट है आया है। ये मौर्यकालीन वास्तुकला के लकड़ी से पत्थर की ओर विकास को दर्शाता है। आगे जाकर सम्राट चंद्रगुप्त इस कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार अपने साम्राज्य के अतिरिक्त बाहरी प्रदेशों में। गुप्त काल में ही बिहार के प्राचीनतम एवं अब तक जीवंत मुंडेश्वरी मंदिर का भी निर्माण हुआ। मूर्ति है खत्म, अब हम लोग का है घूमना, घूमना है ना, तो घूमते फटाफट से। प्रोग्राम तो दिखा दिया दोस्त, ऐतिहासिक दर्शन, ऐतिहासिक दर्शन आप करेंगे, हिस्टोरिक गैलरी चलते हैं। ये देखिए सामने आप लोग, ये यहाँ से प्रवेश होता है हम लोग का और यहाँ का कुछ आप लोग को चीज दिखाते हैं। ये रहा गाइस, देख सकते हैं बच्चा प्रणाम कर रहा है, कितना मनोकामना से मतलब प्रणाम कर रहा है, देख सकते हैं। और ये लौंडे लोग जो आए हैं सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए। क्या बच्चा से सीखो कुछ दोस्त, कुछ सीख लो, सीख लो कुछ। ये देखो, ये देखो दौड़ रहा है बच्चा। तो गाइस, ये है लकड़ी का चक्का, लेकिन ये सब गांडू लोगों को लगा कि अशोक चक्र है। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। यहाँ यहाँ लिखा हुआ है क्या? उसी का प्रतिबिंब है। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है क्या? हमको ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? अब आए ना लाइन पे। गाइस, ये देख सकते हैं सिक्का करेंसी पुराने जमाने के, ये लिखिए आप लोग। हमारे दादा के दादाजी ये सिक्के यूज करते थे। अच्छा, तुम्हारे दादा? हमारे दादा के दादाजी। अच्छा, तो मेरे परदादाजी जो है यही सिक्का यूज करते थे। अच्छा, जिसका प्राचीन में हमको अभी देखने को मिल रहा है। अच्छा, पटना के म्यूजियम में। अच्छा, इसका देख के हम भरपूर मजा ले रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अपना नाम का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम का जिक्र कर रहे हैं विशाल। हाँ, अच्छा करो, उसका क्या रहा है? मेरा भी नाम तो विशाल है। वाह, तकनीकी सीमाओं के कारण यह लेखा बरेनी लिपि के वास्तविक प्रतिपादन से भिन्न हो सकता है। यह प्रिंट कर दो। अच्छा अच्छा, आगे और क्या आएगा? हम कहाँ से हैं? क्या दिख रहा है? अच्छा, छोड़ो छोड़ो, रहने दो। मेरा विशाल दोस्त का ईंट का भट्टा है, ठीक है, चल झूठा, लेकिन अभी यहाँ तक इसका ईंट का भट्टा जितना ईटा सब है यहाँ पे लगाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये
कौन है, क्यों है? बोल रहा है कि मेरा ही ईंट का भट्टा का है, देख सकते हो चारों तरफ का दोस्त रहा है क्या तरह नहीं है। अच्छा बैगन कब 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 मेरे दादी के टाइम पे एक बार हमको खाना मिला था। अच्छा उनका खाना जो है तो ज्यादा ही स्वाद होता है खाने में। हाँ। ये खाना बहुत ही अच्छा बनता है इसमें। हाँ। तो दादा दादी के टाइम में ना तो इसमें खाना खाते थे और बिना खाद दूध वाला सामान से खाना खाते थे तो बीमार कम होते थे। उस टाइम का खाना स्वादिष्ट होता था, इसलिए जो खाद बीज वाला सामान खाते हैं तो ठीक नहीं मिलता, इसलिए तेरा पेट निकल गया क्या? बड़ा परेशान है। कुछ दिखाने के लिए है ना आप लोगों, मतलब कि दिखा नहीं सकते, इतना कुछ है दिखाने के लिए, जबरदस्त है और इतना मतलब इतिहास के इतने सारे चीज है ना, मतलब कि देख के क्या ही बताया आप लोगों को, मन खुश हो गया है और इतना कुछ आप लोगों को जानकारी तो नहीं बता सके, तो उसके बारे में आप लोग गूगल में सर्च कर सर्च कर सकते हैं। ठीक है तो अभी हम लोग जो है क्या बताया आप लोग को, घूम के परेशान हो गया मेरा दोस्त, थोड़ा बहुत कॉमेडी कर दिया क्या दोस्त, मजा आया ना? मजा आया दोस्त, कभी आया दोस्त यहाँ हाँ था मेरा। अच्छा तो हम चलते हैं ऊपर, ऊपर भी कुछ है क्या? हाँ मजा ही मजा। हाँ, चलते हैं ऊपर और वहाँ भी कुछ दिखाता हूँ, तो पहले आगे सामने दिखाता हूँ। यहाँ देखिए पहले के जमाने के लोग जो है पासा खेलते थे, इसी से पासा खेल देखो, ये क्या है जो ये दोस्त हम लोग को भी नहीं पता, ये पता नहीं ये, लेकिन ये पासा है, ये कबूतर के जैसा दिया गया है, बतख के जैसा। और ये रहा पिस्तौल, जो कि अभी हम लोग पिस्तौल से खेलते हैं पबजी में। तो गाइस हमारा टाइम होता है ओवर, लगभग हम लोग एक घंटा से घूम रहे, एक घंटा का टाइम दिया जाता है घूमने के लिए, तो टाइम होता है खत्म। कहाँ जा दोस्त? और तो है तो चलते हैं नीचे में आप लोग घुमाते हैं, और मेरा फोन भी थोड़ा बहुत कम चार्ज है, 15% चार्ज है, पता नहीं कब ऑफ हो जाएगा, पता नहीं शायद, तो जितना होता है उतना दिखा पाएंगे आप लोगों को। ठीक है जितना होगा नहीं दिखा पाएंगे, तो चलते हैं नीचे फटाफट से, सबको नीचे उतर रहे धीरे धीरे से, और कुछ यहाँ से व्यू देखिए आप लोग। या शॉपिंग मॉल, कोई भी सामान रिवाज करने पर भुगतान करना होगा। ये चेक बोल 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 दर्शन देगा तुमको, टेंशन मत लो। गाइस आम का सीजन तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे आम अभी अभी आपको मिलेगा, तो देख सकते हैं ये कच्चे कच्चे आम, आप लोग तोड़ के ले आ सकते हैं। ये देखिए आप लोग किस किस को लेके जाना है, लेके जा सकते हैं कच्चे कच्चे आम, घर में आके पका सकते हैं। अरे आम खाना है, आम खाना है, आम खाना है, नहीं नहीं आम खाना है दोस्त, नहीं खाना है मत। तेरा बाप यहाँ छोड़ कर गया था कि तेरी माँ? देखिए गाइस मौत का कुआं, मौत का कुआं में जो है फंस चुका है ये घोड़ा, अरे घोड़ा एक्सीडेंट थोड़ी है, बुड़वा का बात करता। तो ये देखिए गाइस सिंहासन में हाथी बैठी हुई है अभी, ये चेक कीजिए आप लोग, वाह हाथी सिंहासन में क्या शूट कर रहा है, वाह रे वाह।
हाँ उठ गया हाथी महाराज। रुईया टाइप का बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। हमको लगा पत्थर है लेकिन पत्थर नहीं है, रुईया है, देख सकते हैं आप लोग। ये तो बड़ा सा पोपट हो गया मेरे साथ अभी, ये चेक कीजिए। तो गाइस आप लोग सोचेंगे ये कबूतर है, ये कबूतर नहीं है, ये गोरैया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये चेक कीजिए गाइस, इतना मतलब कि सुंदर है, क्या ही बताए आप लोग को, जबरदस्त। तो गाइस बिहार संग्रहालय से घूमते घूमते मेरा फोन हो चुका था स्विच ऑफ, पूरा चार्ज खत्म। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में। तो आज हमारे साथ देख सकते हैं मोटू महाराज, विशाल मेरा मीता जो है, देख सकते हैं हमारे साथ सोएगा, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। मनीष बेचारा बहुत उदास है, किस कारण से नहीं पता। गाइस पैसा खत्म हो गया गाइस, तो क्या नाचो मैं गाइस, हम तीनों का जो है पैसा खत्म हो गया, ठीक है। अब ये मतलब इस पे नजर रखा है, तो आप लोग मतलब इतना गरीबी आ गया, क्या बताए, घर जाने का पैसा नहीं है, टिकट तो बुक है लेकिन यहाँ से स्टेशन जाने का पैसा नहीं है, क्या बात कर रहे हैं बाबा। और क्या बताए, हम लोग सुबह से जो है पानी पी के देख सकते हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं। तो अभी मतलब की क्या करेंगे, माला बेचेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 2000 का माला तुम खरीदा, 1000 में बेच देंगे, आराम से बिचवा देंगे, आराम से बेच उच के, आराम से कल दिन भर खा पी के आराम से रात में जाएंगे स्टेशन, स्टेशन का भाड़ा भी हो जाएगा, टिकट क्या हुआ ही है, सीधे घर चले जाएंगे परसों दिन। मस्त प्लान है, वाह क्या दिमाग है, वाह गाइस ऐसा नहीं दोस्त, अभी जाएंगे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करेंगे। ओह माय गॉड, वाओ गाइस तो काट के चले गए यार, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये, क्या करें। तो गाइस कैसे क्या होगा पता नहीं, माला बेचो, माला नहीं माला नहीं बेचना पड़ेगा, ठीक है सुबह बेचेंगे, ठीक है। तो गाइस सुबह ऑनलाइन बिजनेस है। तो गाइस वीडियो बनाने में एंड करते हैं, जब तक मिलते हैं सुबह में आप लोग से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छा लगे तो लाइक करिए और साथ साथ दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बनाने में जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो गाइस जल्दी मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, गुड नाइट, टाटा टाटा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।